ब्रॉट टू यू बाय खाता बुक। मैं बाद में दे दूं। देखिए अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या, कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए या उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। कोरोना के इस दौर में भोपाल में दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। आज धनतेरस है और आज के दिन लोग बाहर निकलते हैं, कुछ नया खरीदते हैं, खासकर बर्तन खरीदने की एक चलन है, लोग खरीदते हैं, ये शुभ माना जाता है। और ये इस समय हो रहा है जब मध्य प्रदेश में 180,000 लोग जो हैं कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लगभग 169,000 लोग हालांकि घर वापस जा चुके हैं, लेकिन 3,055 लोगों की दुखद मौत भी कोरोना की वजह से हुई है। इसकी वजह से क्या धनतेरस के दिन और क्या दिवाली की खुशियों पर असर पड़ रहा है, ये अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि एडवर्स कोई गलत प्रभाव इसका पड़ रहा है, क्योंकि लोग खासा मात्रा में बाहर आ रहे हैं, हालांकि प्रिकॉशन जरूर ले रहे हैं। सर, दिवाली के लिए बाहर आए हैं, कोरोना काल है, नहीं हुआ है। बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, बट लोगों ने चिंता करनी छोड़ दी है, जो बहुत चिंता की बात है। लोग बाग बिना मास्क के घूम रहे हैं सड़कों पर और भीड़ में भी बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं जो रखना चाहिए, क्योंकि लहर लौट कर आ रही है। दिल्ली में जैसे दोबारा आ गई, यहाँ भी आ सकती है। यहाँ के लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, डिस्टेंस रखें और भीड़ में ना जाएं। बहुत चिंता की बात है कि लोगों ने चिंता करनी छोड़ दी है, ये एक आम आदमी का पर्सपेक्टिव है। और ये भी लोगों को मालूम है कि ये लहर दोबारा वापस आ सकती है, दिल्ली में आ चुकी है, लेकिन दिवाली की तैयारियां भी चल रही हैं। आज धनतेरस है, लोगों के ऊपर तो इम्पैक्ट हुआ ही हुआ है, लेकिन बिजनेसेस पर भी इसका इम्पैक्ट हुआ है। और बिजनेसेस पे मतलब ये काफ़ी लंबे समय, क्योंकि लगभग एक साल होने को आया है, तो काफ़ी लंबे समय से बिजनेस पर इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन आज एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि धनतेरस के दिन में आप जैसे देख सकते हैं लोग बाहर आए हैं और प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके बिजनेस पर आज तो पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है, लोग भरे हुए हैं, काफ़ी पॉजिटिव, और पिछले एक हफ्ते से मार्केट में बहुत चहल पहल फिर से बढ़ी है। जो लोग इतने एक साल से बाहर नहीं निकल पाए थे, अब शॉपिंग के लिए फिर से उन नए उत्साह के साथ वापस निकल रहे हैं, और उम्मीद है कि इसी तरह से जो है हमारा मार्केट फिर से बूस्ट होगा। तो उम्मीद है कि मार्केट फिर से बूस्ट होगा। पिछले एक हफ्ते से जैसे ही दिवाली की तैयारियां शुरू हुई हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए, खरीदारी करने के लिए बाहर आ रहे हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल।